प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड, गुजरात और ओडिशा का दौरा है। आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। आज झारखंड में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे। सुबह 10 बजे 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री की ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी, यानी कि अब बस चंद मिनटों का इंतजार बचा हुआ है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा हर लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री झारखंड को 607 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 660 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। टाटा नगर में पीएम नरेंद्र मोदी आवास योजना ग्रामीणों को स्वीकृति पत्र देंगे और 20,000 लाभार्थियों को इस दौरान स्वीकृति पत्र सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी तरफ हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने वाले हैं और इसके साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें टाटा नगर पटना वंदे भारत ट्रेन है, भागलपुर दुमका हावड़ा वंदे भारत ट्रेन और इसके अलावा ब्रह्मपुर टाटा नगर वंदे भारत ट्रेन, गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन, देवघर वाराणसी वंदे भारत ट्रेन। तो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। झारखंड में 6 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तो झारखंड के लिहाज से ये दौरा बेहद खास है। आगामी दिनों में झारखंड में भी चुनाव होने, उसके पहले जिस तरीके से विकास की सौगात झारखंड को दी जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी अपने जनाधार और जमीन दोनों को मजबूत झारखंड में करना चाहती है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो चलिए इस बीच आपको बता देते हैं वंदे भारत ट्रेन की खासियत आखिरकार क्या है। वंदे भारत ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक से डिजाइन ट्रेन है। 52 सेकंड में पकड़ लेती है 100 किलोमीटर की स्पीड। वंदे भारत ट्रेन 52 सेकंड के अंदर 100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। 8 घंटे में 700 किलोमीटर का सफर वंदे भारत ट्रेन तय कर सकती है। तो वहीं वंदे भारत ट्रेन की अगर बात करें तो मेट्रो की तरह दोनों तरफ इंजन इसमें होते हैं। ट्रेन में जीपीएस सिस्टम और फायर सेंसर दोनों ही लगे हुए हैं।
ट्रेन में वाईफाई की सुविधा भी मौजूद होती है। इसके अलावा खाने पीने का सामान रखने के लिए डीप फ्रीजर टच फ्री सुविधा के साथ बायो वैक्यूम टॉयलेट भी इस ट्रेन में मौजूद रहता है। पहली वंदे भारत की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी 2019 को चलाई गई थी। वाराणसी से दिल्ली तक का सफर वंदे भारत ने तय किया था, ये ट्रायल था। चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेनों के कोचेस का निर्माण किया जाता है। एक ट्रेन को बनाने में 100 करोड़ रुपए की लागत आती है। अलग अलग रेल रूट की अगर बात करें तो 54 जोड़ी ट्रेनें चल रही हैं। जब मैं 54 जोड़ी बोल रही हूँ तो आपको क्या समझना है, 54 को आपको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है अपने आगामी विकास दौरे को लेकर के। उन्होंने साफ तौर पर झारखंड का जिक्र किया है। झारखंड के तेज विकास के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आज सुबह करीबन 10 बजे टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ कई और परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों से जुड़े कार्यक्रम का भी हिस्सा मैं बनूंगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। देखिए, झारखंड इस समय इलेक्शन की दृष्टि से बेहद खास है बीजेपी के लिए। जिस तरीके से जेएमएम वर्सेस बीजेपी झारखंड के अंदर देखने को मिल रहा है, ऐसे में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि जनाधार और जमीन दोनों मजबूत हो सके झारखंड के अंदर। और ऐसे में बीजेपी सौगात पे सौगात झारखंड के तमाम लोगों को प्रोवाइड करा रही है, जिससे उनकी आम दिनचर्या थोड़ी सी आसान हो सके। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी को लेकर हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर ब्रह्म प्रकाश दुबे ने साउथ ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा से खास बातचीत की है। नरेंद्र मोदी झारखंड को कई सौगातें देने जा रहे हैं। इसमें कुछ वंदे भारत ट्रेनें जो झारखंड के कई हिस्सों को कनेक्ट करेंगी अलग अलग राज्यों से, साथ में टाटानगर के लिए 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अलग अलग प्रोजेक्ट भी हैं। रेलवे की किस तरह से कनेक्टिविटी मिलेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे के जनरल मैनेजर हैं AK मिश्रा जी। जी एम साहब, किस तरह से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है जो प्रधानमंत्री शुरू करने जा रहे हैं, और सबसे पहले बताइए किस किस रूट पर जो है नई वंदे भारत शुरू होने जा रही है? आदरणीय प्रधानमंत्री, टाटा से पटना वंदे भारत का शुभारम्भ करेंगे। इसके साथ ही 6 विभिन्न स्थानों से जो झारखंड के अलग अलग जगहों से गुजरेंगी उसका भी फ्लैगिंग आप करेंगे। टाटा स्टेशन रीडेवलपमेंट का भी कार्य रेलवे कर रही है, जिसकी लागत 347 करोड़ है। उसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास पहले ही कर चुके हैं। उसका 3D मॉडल का हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और उसके लिए भी कार्य हम लोग जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं। इसके अलावा झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग, वॉशिंग लाइन, इस तरह की जो भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसका भी कल टाटा नगर से शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जो शुरुआत कर रहे हैं कनेक्टिविटी के, ट्रेन कनेक्टिविटी के लिहाज से कौन कौन से रीजन को फ़ायदा होगा, और जो आपने शुरुआत की है जैसे देवघर से बनारस को कनेक्ट करना, इसके पीछे सोच क्या है? क्या तीर्थों को कनेक्ट किया जा रहा है साथ साथ? नहीं, तीर्थों के साथ साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट टाउनशिप हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ से लोगों का आवागमन होता है, जैसे टाटा पटना जो वंदे भारत चलेगी वो पटना की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। औसतन जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं वो 10 से 11 घंटे लेती हैं, तो
इसमें इम्पॉर्टेंट टाउनशिप जो मिड सेक्शन में आने वाले मेजर स्टेशन भी हैं, उसके साथ टूरिस्ट प्लेस भी हैं जैसे देवघर से बनारस, हावड़ा से राउरकेला, राउरकेला से हावड़ा, बरहमपुर जो उड़ीसा में पड़ता है उस वहाँ से टाटा के लिए भी वंदे भारत चलेगी। तो कल जो प्रधानमंत्री जी सात वंदे भारत का फ्लैगिंग ऑफ करने वाले हैं, एक फिजिकल टाटा से करेंगे और बाकी छः वंदे भारत का रिमोटली फ्लैगिंग ऑफ करेंगे टाटा स्टेशन से ही। जिन शहरों को अभी कनेक्ट करने जा रहे हैं जो पीएम हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो डेली चलेंगी या कुछ वीकली हैं या डेली हैं सारी ट्रेन? नहीं, सभी ट्रेनें जो हैं हफ्ते में 6 दिन चलेगी और एक दिन उसका मेंटेनेंस पीरियड होता है, तो हफ्ते में 6 दिन ये वंदे भारत चलेंगी। अगर फैसिलिटी के लिहाज से बात करें, हमने देखा है जो अभी तक वंदे भारत ट्रेन चली हैं वही सारी फैसिलिटीज़ इन? नहीं, जो अभी वंदे भारत का फ्लैगिंग ऑफ है ये सब अपग्रेडेड वंदे भारत हैं, इसमें कई अच्छे फीचर्स लगे हैं पैसेंजर्स कंफर्ट के लिए। कुछ बताएंगे हमें? जैसे इसमें कूलिंग का जो है अच्छा प्रबंध है कि इसके कूलिंग जल्दी होगा, उसके अलावा जैसे बैटरी बैकअप है वो भी 3 घंटे का है, जैसे पुरानी वंदे भारत में 1 घंटे की थी। इसके साथ संरक्षा के हिसाब से भी इसमें कवच का प्रावधान किया गया है जो बाकी सेक्शनों में लग रहा है, तो इसमें करीब जो पहली वंदे भारत थी उससे करीब 21 के मॉडिफिकेशन किए गए हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसेंजर बेटर कंफर्ट के। अगर बात करें हम इंटीरियर की, तो इंटीरियर में भी कुछ लुक में सुधार किया गया है जी एम साहब? इंटीरियर में जैसे आपका डिस्प्ले सिस्टम है, चेयर में रोटेशन की सुविधा प्रदान की गई है ताकि पैनोरमिक व्यू पैसेंजर से इसमें बैठ करके देख सकें। ब्रह्मप्रकाश दुबे, न्यूज़ इंडिया, जमशेदपुर, टाटानगर। कौन कौन है अभी? तो देखिए, तैयारियों को लेकर अनिल कुमार मिश्रा से बातचीत करी है पॉलिटिकल एडिटर ने। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि विकास को नई रफ्तार मिलेगी, क्योंकि वंदे भारत का मतलब ही है रफ्तार। झारखंड, गुजरात और ओडिशा के दौरे पर हैं, और इस बीच गुजरात में कैसी तैयारियां हैं इसकी जानकारी के लिए निकुल पटेल जुड़ गए हमारे साथ में। निकुल, क्या कुछ अपडेट है प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? जी देखिये, प्रधान नरेंद्र मोदी जो है आज गुजरात पहुंचने वाले हैं। आज शाम को 4 बजे के बाद वो गुजरात में आएंगे, उसके बाद वो वडनगर एयरपोर्ट के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। उसके बाद कल गांधीनगर अहमदाबाद को एक बड़ी भेंट है जो मिलने वाली है। आपको बता दें कि गुजरात की आर्थिक राजधानी जो अहमदाबाद कहा जाता है उससे गांधीनगर के पाटनगर, जो गुजरात का पाटनगर गांधीनगर है उसको जोड़ने के लिए एक बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहा था मेट्रो फेज 2 का, वो खत्म हो चुका है और कल वो मेट्रो को हरी झंडी वो दिखाने वाले हैं। उसके बाद ये अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में कनेक्टिविटी के लिए जो मेट्रो है वो शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जो ये मेट्रो फेज 2 का जो काम है वो मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेके गांधीनगर सेक्टर 1 तक चल रहा था, वो खत्म हो चुका है और कल ही उसका जो ओपनिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। उसको लेके गुजरात में भी काफी जो तैयारियां है वो की गई है। आपको बता दें कही गई अलग अलग जो कार्यक्रम है उसमें मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री का 3 दिवसीय दौरा है गुजरात के अंदर रहने वाला है और उसमें कई करोड़ों की जो सौगात है वो गुजरात को मिलने वाली है। साथ साथ सबसे बड़ी सौगात है वो मेट्रो की है जो कि गांधीनगर और अहमदाबाद से बीच में जुड़ेगी। 35 रुपए किराए के अंदर अब लोग आसानी से मेट्रो की जो मुसाफरी है वो गुजरात के अंदर कर सकते हैं। जी बिल्कुल निकुल, इस बीच मैं ये भी समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किस स्थान पर है और उस जहां पर ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, क्योंकि अमूमन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी देखने को मिलते हैं।
जी देखिए, जिस तरह से वडाप्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं, आज शाम से यहाँ पे आ रहे हैं, अहमदाबाद के कई जो रूट है वो बदले गए, साथ साथ गांधीनगर के भी कई रूट है वो बदले गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस विभाग ने पूरी तैयारियां अपने ओर से की है। जो गांधीनगर में कार्यक्रम महात्मा मंदिर में होने वाला है उसको लेके जो सचिवालय वाला जो रास्ता है वहीं पे पुलिस के कड़े इंतजाम है वो रहेंगे, साथों साथ अहमदाबाद एयरपोर्ट और साथ ही में जो अहमदाबाद की जो जीएमडीसी ग्राउंड है वहीं पे पीएम मोदी मौजूद रहने वाले हैं, उसको लेके भी कई इंतजाम पुलिस की ओर से किया गया है, सुरक्षा तैनात की गई है, साथों साथ जो ट्रैफिक के रूट है वो कई रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। जी बिल्कुल निकोल, ट्रैफिक के कई रूल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इस बीच कितनी उत्साहित है जनता प्रधानमंत्री की सौगात को लेकर और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के? निकोल जी देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद पहली बार जो गुजरात वो यहाँ पे आ रहे हैं, लोग उनको जो यहाँ पे देखने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं। आपको बता दें कि गांधीनगर और अहमदाबाद में जो सफाई होने वाली है उसमें से पूरे गुजरात में से जो लोग हैं उसमें जुटने वाले हैं, खासकर के भाजपा के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में वहीं पे मौजूद रहेंगे, साथों साथ आसपास के कई ऐसे जिले हैं वहीं से भी लोग वहीं पे आने वाले हैं, उसको लेके भी प्रशासन ने कई इंतजाम है वो किए गए हैं। यहाँ पे जो बसेस है वो भी चलाई जाएगी, जिसके चलते जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं वो भी उनके जो कार्यक्रम में है वो पहुंच सके। चलिए, बहुत शुक्रिया निकोल हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।